अस्सलाम वालेकुम जी, मेरे साथ आज मौजूद हैं ऐसे आर्टिस्ट जिनको हम दो दहाइयों से देख रहे हैं, उसी तरह से हसीन हैं, उसी तरह से जवान हैं, ऐसा लगता है कि जैसे इन्होंने कोई स्टे ले रखा है। तो मैं बात कर रही हूँ मिकाल जुल्फकार की, मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं? मैं बिल्कुल। दो दहाइयां बना दी आपने, मेरे से बात सही है। है, दो दहाइयां तो है ना। अच्छा ये बताइएगा कि क्या कोई स्टे ले रखा है? आज भी आप उसी तरह से खूबसूरत हैं, उसी तरह से जवान हैं, राज क्या है हमें भी बताएं कुछ। मेरा ख्याल से ये सिर्फ मेरा राज नहीं है अमरीन, आजकल माशाल्लाह आई थिंक जितने भी लोग हैं, यू नो वी आर ऑल सो सेल्फ कॉन्शियस और हम इतना अपना ख्याल रखते हैं। आप भी वैसी की वैसी हैं, आप में भी कोई खास चेंज नहीं आया। और आई थिंक खास तौर पे जब आप फील्ड में होते हैं तो आपके ऊपर एक प्रेशर भी होता है टू लुक यंग, टू लुक गुड, टू लुक हेल्दी। एंड देन ऊपर से एक बहुत बड़ा राज ये है कि हम जहाँ बैठे हुए हैं, जो मेरा सैलून है, तो ऑब्वियसली सैलून पे आते रहते हैं, अपना ख्याल रखते रहते हैं, बाल, स्किन, इन सब। लोगों को क्या टिप्स देंगे, जवान नजर आए, हसीन नजर आए, आपकी तरह खूबसूरत तरीन नजर आए? छोटी चीजें, आई मीन ऑब्वियसली डाइट का ख्याल रखें। अच्छा। बहुत ज्यादा धूप में ना जाए। आई थिंक वन ऑफ माय रीजंस इज, ऐसा नहीं कि मैं जाता नहीं हूँ, लेकिन मैं जब मैं काम नहीं कर रहा होता तो मैं बिल्कुल ही इनडोर्स किस्म का आदमी हूँ और थोड़ा लेट उठता हूँ और ज्यादातर नॉक्टर्नल जिसको कहते हैं, रात को जो है ज्यादा जागता हूँ, दिन में कम होता। तो आई थिंक सूरज से भी बचना जो है वो आपको थोड़ा सा, ये तो वही बात हो गई, आजकल वो खलीलुर रहमान कमर साहब ने बताया कि डॉक्टर ने उनको मना किया था दिन में नहीं निकलना, रात में। आपने भी कुछ वैसे ही मशवरा दे दिया? नहीं, डॉक्टर्स वैसे मना करते भी हैं, सन से, सन एक्सपोजर जो है आई थिंक वो आपकी स्किन को थोड़ा सा, नहीं आपकी बात जरा उस उनसे मैच कर गई ना, मैं इसलिए कह रही हूं। नहीं, खलील साहब एक अजीम राइटर हैं और हमारे अच्छे दोस्त भी हैं और वो जहां भी हैं, जिस केस में भी हैं, अल्लाह उनको जो है आसानियां दे और यू नो आई विश हिम वेल। मेरे ख्याल से अनफॉर्चुनेटली इस मुल्क में जो है इंसान कंट्रोवर्सी में बड़ी आराम से जल्दी फंस जाता है। अच्छा, आपको भी लगता है वो कंट्रोवर्सी है? नहीं, मतलब वो जिस तरह बात को बनाया जा रहा है और हर चीज पे जो है हर किसी का ओपिनियन आता है और बड़ा सख्त ओपिनियन आता है, ठीक है, चीजों पे। मतलब आपका क्या है? आपका इस मुल्क में कोई किसी, मेरा इसमें ये कि उनकी अपनी जिंदगी है, लिव एंड लेट लिव, उनकी क्यों गए थे, क्या था, अच्छा, वो जाने। तो मेरा मशवरा या और लोगों को भी ये है कि लिव एंड लेट लिव, लोगों को अपनी जिंदगी जीने दें यार। I mean, बिल्कुल ठीक, आप अपनी जिंदगी पे फोकस करें, कोई क्या कर रहा है, लेट इट बी। बिल्कुल ठीक है। अच्छा मिकाल, आपका ड्रामा भी आ रहा है दुर्रे नायाब, अमर खान के साथ पहली बार आप काम कर रहे हैं। जी जी। उसकी क्या तफसीलात है, कहानी कैसी है, हमें कितना मुख्तलिफ उसमें मिकाल नजर आएगा? आई थिंक थोड़ा मुख्तलिफ नजर आएगा, बिकॉज लेटली मैंने बहुत सारे नेगेटिव कैरेक्टर्स किए। अच्छा, सही है। जैसे आपकी मर्जी, आपको बहुत पसंद किया गया। जी, लेकिन उसमें भी हालांकि मैंने प्ले नेगेटिव नहीं किया था, लेकिन उसमें थोड़ा सा नेगेटिविश ही जरा उसका था। इसमें ये कि जरा एक बड़ा ही चार्मिंग किस्म का कैरेक्टर है। अच्छा। एंड आई थिंक स्पेशली फैंस मुझे बहुत कहते रहते हैं कि यू नो व्हाई, वो जो बॉय नेक्स्ट डोर वाला कैरेक्टर है ना, अच्छा बच्चा, अच्छा मर्द, बिल्कुल सही वो है। उस तरह का कैरेक्टर था, सो दैट्स डिफरेंट। और एक इनोसेंट कैरेक्टर है, इनोसेंस के साथ प्ले किया उसको। कहानी क्या है उसकी, हम रिवील करने को नहीं कहेंगे, लेकिन आप हमें, मेरे ख्याल से वो टीजर्स में भी काफी हद तक चीजें रिवील हो चुकी हैं। ऑब्वियसली दुर्रे नायाब जो है वो बहुत सिंपल लड़की प्ले करती है, मैं एक बहुत सक्सेसफुल बिजनेसमैन होता हूँ, और वही जो इन अ वे स्लाइटली टिपिकल कहानी, माँ जो है वो शादी करवाना चाहती है कि भाई अब तुमने कर लिया जो करना था, अब शादी कर लो, लेकिन इसको अपने सर्कल में कोई पसंद नहीं आती और ये एक बहुत ही सिंपल लड़की को जो है ना पसंद करते हैं, लेकिन वो जो सर्कमस्टांसेस हैं वो बड़े मजे के हैं ड्रामे में। वो जिस सर्कमस्टांसेस में वो दोनों इकट्ठे होते हैं वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। एंड आई थिंक वही, क्योंकि ड्रामे में ड्रामा तो बनाना होता है, बनाना होता है। जैसे आपकी मर्जी में आपने एक ऐसे लड़के का किरदार किया जो बहन के पीछे भी बहुत लगा हुआ है और बीवी को समटाइम्स वो बिल्कुल ही इतना डिग्रेड करता है कि वो परेशान हो जाती है, तो जाती जिंदगी में आप कैसे हैं? आप समझते हैं कि बीवी को बीवी की जगह पे रखना चाहिए, बहन भाइयों को बहन भाइयों की जगह पे रखना चाहिए, इस हवाले से हमें थोड़ा सा बताएं। मतलब मैं किसी हद तक भी जो है अपने उस कैरेक्टर के साथ रिलेट नहीं करता, बिल्कुल, यू नो वो हाँ। एक बिल्कुल ही डिफरेंट कैरेक्टर था ना, मेरे उस जो उस कैरेक्टर के सर्कमस्टांसेस थे, जो उसकी जिंदगी थी, जो उसके जिस वजह से उसके जो भी उसके ट्रॉमा थे या उसके
प्रॉब्लम्स थी जिसकी वजह से वो बना, तो मैं ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं हूँ। आई थिंक हर रिश्ते की अपनी अहमियत होती है, बहन की अपनी अहमियत होती है, बीवी की अपनी अहमियत होती है, माँ बाप की अपनी होती है, बच्चों की अपनी होती है, लेकिन ये इतना आसान नहीं है। आई थिंक अगर आप अपनी जिंदगी में भी देखें, मैं भी अपनी में देखूँ कि हर चीज़ आपके हाथ में नहीं होती, बहुत सारे एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस होते हैं या और चीज़ें होती हैं जो इन्फ्लुएंस करती हैं किसी डिसीजन को। ज़रूरी नहीं है कि हर डिसीजन आपकी तरफ से ही आ रही हो, कभी कभार आप प्रेशर होते हो एक डिसीजन लेने के लिए, कभी कभार आप ना चाहते हुए भी कोई चीज़ ऐसे करते हो और फिर आपको फॉलो थ्रू भी करना पड़ता है। तो आई थिंक सर्कमस्टेंसेस पे डिपेंड करता है, बहुत जनरलाइज करना बड़ा मुश्किल है इसको। मिकाल, रिश्तों में खराबी कहाँ आती है, आप क्या समझते हैं? रिश्तों में खराबी आई थिंक दैट्स प्रीटी सिंपल, आई मीन आई थिंक मिसट्रस्ट से, झूठ से। जब आप किसी पे डिपेंड करते हो और आप डिपेंड ना कर सको, फिर एक्सपेक्टेशन से भी जो है आपकी कभी कभार एक्सपेक्टेशंस बहुत होती हैं या अगले की बहुत होती हैं, तो उस वजह से खराबी आ जाती है। तवक्कुआत आप कितनी रखते हैं किसी भी रिश्ते से? आई थिंक बहुत रखता हूँ, आई थिंक मैं उतनी ही रखता हूँ जितनी मैं देता हूँ, यू नो। आई थिंक मैं वो इतना जरूर एक्सपेक्ट करता हूँ। और अच्छा सवाल है आपका बहुत। आई थिंक मुझे अगर किसी रिश्ते से प्रॉब्लम होना शुरू होती है तो वो तभी होती है कि जब मुझे लगता है जितना मैं कर रहा हूँ अगला उतना नहीं कर रहा, तो वहाँ मुझे प्रॉब्लम होती है। तो मैं उतना ही एक्सपेक्ट करता हूँ, लेकिन उसके साथ साथ आई थिंक मेरी एक अच्छी बहुत अच्छी क्वालिटी है कि मैं बड़ा अंडरस्टैंडिंग हूँ। मैं सोचता, आई मीन मैं शायद इस पर इम्प्लीमेंट ना कर पाऊँ उस तरह, लेकिन मैं जनरली जैसे मैंने आपने खलील साहब का सवाल पूछा, आई बिलीव इन लिव एंड लेट लिव। मतलब आप हर किसी की अपनी जिंदगी है, आई थिंक आप किसी पे भी बहुत ज़्यादा कोई चीज़ फोर्स नहीं कर सकते या ना ही आपको करनी चाहिए, और ना मैं अपने ऊपर ही ऐसा चाहता हूँ ना मैं ऐसा करने की कोशिश करता हूँ। मिकाल, किसी भी रिश्ते से निकलना आसान नहीं होता है, आपके साथ भी जिंदगी में ऐसा हुआ, तो कितना मुश्किल था वो डिसीजन लेना, रास्ते अलग करना, और कितना मुश्किल होता है ये? बट ऑब्वियसली इट वॉज अ डिफिकल्ट, कोई आसान चीज़ नहीं थी। कुछ लोगों ने कहा कि 95% औरतें जो हैं वो हमारे हाथ जाहिल हैं, मिकाल क्या कहते हैं? 95% तो मैं नहीं कहूंगा, औरतें आई थिंक जनरली प्रोबेबली आर स्मार्टर, मुझे जनरली ऑनेस्टली आई थिंक वुमेन आर स्मार्टर देन मेन फॉर श्योर, और अच्छे अंदाज में भी और बुरे अंदाज में भी। वुमेन ज्यादा स्मार्ट होती हैं, ज्यादा इंटेलिजेंट होती हैं, ज्यादा जल्दी मैच्योर होती हैं, ज्यादा समझती हैं, मर्दों को तो खास तौर पे मर्दों से ज्यादा समझती हैं, और मर्द को कैसे चलाना है और क्या करना है वो तो ज्यादा समझती हैं फॉर श्योर। सही है, यानी कि लेकिन जाहिल मैं नहीं कहूंगा, मैंने जितने जाहिल मर्द हैं उतनी जाहिल औरतें भी हैं इस मुल्क में, मतलब लेकिन माशाल्लाह जहालत भरी पड़ी है इस मुल्क में, उसकी कमी नहीं है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा मिकाल, जैसा कि सोशल मीडिया का दौर है तो बहुत सारे आर्टिस्ट जो हैं शिकायत करते हुए भी दिखाई देते हैं कि जी फॉलोअर्स अगर आपके इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे या ऐसे प्लेटफॉर्म्स पे ज्यादा हैं तो आपको काम मिलता है। जैसे जाले सरहदी ने एक इंटरव्यू में कहा कि उनसे 2-3 प्रोजेक्ट्स या कुछ प्रोजेक्ट्स इसलिए वापस ले लिए गए क्योंकि मेरे फॉलोअर्स जो सोशल मीडिया पर हैं वो इतने ज्यादा नहीं। हो सकता है। क्या कहेंगे आप ये जो रुझान है या एक्टर्स शिकायत करते हैं इस हवाले से? नहीं, हो सकता है, आई थिंक इस बात में काफी हद तक सच भी है। आई मीन मैं क्या कहूँ, ऑब्वियसली देखें दोनों जगह, एक आर्टिस्ट अपनी जगह और जो टैलेंट होता है उसको सिर्फ आपको इस चीज से नहीं क्वांटिफाई करना चाहिए कि फॉलोअर्स कितने हैं। याले का आप जिक्र कर रहे थे, शी इज अ ग्रेट आर्टिस्ट, बहुत अच्छी आर्टिस्ट है। और अगर आपने किसी को लेना है तो आप आई सपोज आर्ट पे जज करें, लेकिन एट द सेम टाइम आई कैन अंडरस्टैंड कि किसी के फॉलोअर्स हैं लोग, खास तौर पे आई थिंक मोर सो देन ड्रामा दिस वुड प्रोबेबली अप्लाई टू कमर्शियल वर्क। कि आप जब किसी के लिए काम कर रहे होते हैं तो ऑब्वियसली वो देखते हैं ये चीजें, लेकिन आई थिंक दोनों का टैलेंट इज समथिंग एल्स एंड हैविंग फॉलोअर्स इज समथिंग एल्स। लेकिन अब तो वो गेम ही सारी इस तरह की है ना कि कौन सोशल मीडिया पे कितना है। बिल्कुल है, बिल्कुल है, लेकिन मुझे लगता है अब ये थोड़ी डाई डाउन भी हो रही है। अच्छा, हाँ, हल्की हल्की, बिकॉज आई थिंक मतलब इन अ वे कुछ बहुत ही चंद लोग हैं जिनकी बहुत ज्यादा मेजर फॉलोइंग है, बाकी की तो तकरीबन सब आसपास
19-20 का फर्क है। आइएगा कि चूंकि आप हमारे जबरदस्त किस्म के मॉडल भी हैं, एक्टिंग में तो आर्टिस्ट जो है वो चलता रहता है, लेकिन ये मॉडलिंग की जो उम्र है वो कम क्यों इतनी होती है? नहीं, मॉडलिंग की उम्र कम तो नहीं होती। आई थिंक यहाँ भी हमारे पास एग्जांपल्स हैं, मेल्स में भी फीमेल्स में भी, जो उसको काफी हद तक प्रोलॉन्ग करते हैं। बहुत कम होते हैं जो इतना प्रोलॉन्ग कर पाते हैं, लेकिन होते हैं। मेरे लिए, मैं अपने लिए इस चीज में तो मैं अपना पर्सनल एग्जांपल ही दे सकता हूँ कि मैं थोड़ा सा बोर हो गया था मॉडलिंग से, बिकॉज मुझे लगता था आई हैड अ लॉट ऑफ फन डूइंग इट और आई रियली वैल्यू, मतलब जो भी मैंने वक्त गुजारा और जिन जिन के साथ काम किया मुझे बड़ा अच्छा टाइम गुजरा, लेकिन एक पॉइंट आया था कि मुझे वो चैलेंजिंग नहीं लगता था। बल्कि मैं एक फैशन शो कर रहा था और वो मेरा फाइनल फैशन शो था, क्योंकि जब मैं रैंप पे निकला और चलना शुरू किया मैंने, तो मैंने सोचा मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्यों सिर्फ चल रहा हूँ और ये मैंने कपड़े पहने हुए हैं, यू नो, इट जस्ट वाज नॉट चैलेंजिंग। तो वो काम, आई रिस्पेक्ट द वर्क एंड आई रिस्पेक्ट वेयर आई वाज, लेकिन मेरे लिए पर्सनली चैलेंजिंग नहीं था। एक्टिंग मुझे लगता है उसमें चैलेंजिंग, यू नो, देयर इज अ चैलेंज बिकॉज आपको एक किरदार प्ले करना है और मुख्तलिफ चैलेंजेस में से गुजरना है और इमोशंस क्रिएट करनी है, तो वो और उसमें थोड़ी बहुत वो मॉडलिंग का भी आप डाल सकते हैं, बिकॉज अच्छा लगना और ये सारी चीज़ें भी एक्टिंग का हिस्सा ही हैं। सो मेरे लिए तो चैलेंज था, बट जनरली आई वुड थिंक यही होता होगा सबके लिए, इवेंचुअली सब बोर हो जाते होंगे। आपने भी ये बात भी की है, एक्टिंग की भी बात की है, तो ये बताइएगा मिकाल जो है वो हमें हमेशा जो है वो सूटेड बूटेड नजर आते हैं, ये कोई मैला सा चेहरा, गरीब सा लड़का, ये क्यों नहीं नजर नहीं मैंने किए हुए हैं वो लोग मुझे कहते हैं मैं वो जितना भी मैला कर ले मैला लगता नहीं बिल्कुल सही है, तो ये प्रॉब्लम है। हालांकि मुझे तो खुशी है, मैं तो चैलेंज लेना चाहता हूँ और मैं बड़ी कोशिश करता हूँ। और मैं एक वो एक बल्कि अभी रिसेंटली प्ले आया था चौराहा, जिसमें मैंने खूब कोशिश की मैला लगने की, लेकिन जब मैं भी अपने आप को स्क्रीन पे देखता था और वो बड़ा गैंगस्टर किस्म का और गालियां दे रहा और मारे धारे और मैंने बड़ी जान दी उसमें, लेकिन जब मैंने भी अपने आप को स्क्रीन पे देखा मैंने कहा यार क्यूट बड़ा है, लेकिन वाकई क्यूट तो बड़ा है, तो वो फिर वो उन चीजों के साथ वो जाता नहीं है। बताइएगा कोई प्रोजेक्ट आपने छोड़ दिया हो, चाहे वो फिल्म का हो चाहे वो ड्रामे को लेकर हो, बाद में जब आपने किसी और को करता देखा हो तो आपको बहुत पछतावा हुआ हो? एक मुझे एक नहीं कई दफा ये गलती हुई होगी, लेकिन एक आई थिंक बिकॉज़ आई वाज अर्ली ऑन इन माय करियर, खुदा के लिए शोएब साहब का जो था, शोएब मंसूर साहब का वो मुझे ऑफर हुआ था और फिर मैंने नहीं किया था, तो दैट आई रिग्रेट। बॉलीवुड को कभी मिस किया आपने? बॉलीवुड में भी काम किया था, क्या बॉलीवुड में काम करने को अपनी गलती कहेंगे? गलती तो नहीं कहेंगे, आई थिंक दैट वाज अ गुड एक्सपीरियंस और आई थिंक वहां जाके काम करके ही इंसान को जरा समझ आती है कि वहाँ नहीं काम करना इसका मतलब आप बॉलीवुड को मिस नहीं करते? नहीं, आई डोंट मिस इट, यू नो, आई'd बी ओपन टू द अपॉर्चुनिटी। मैं कहता हूँ इक्वल टर्म्स पे एक इज्जत के साथ तब मजा आएगा, एंड यू नो आर्टिस्ट मेरा तो जितना इंटरेक्शन आर्टिस्ट लेवल पे हुआ या डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स हुआ, बहुत अच्छे अंदाज से हुआ, इवन पब्लिकली फैशन में भी काम किया और इवन इंडिया की पब्लिक के साथ भी जब इंटरेक्शन हुआ तो बहुत अच्छा हुआ, वो उसमें कोई इशू नहीं है, लेकिन मैं फील करता हूँ कि वो जरा टू फेस्ड हैं इंडियंस, टू बी ऑनेस्ट। हाँ, बिल्कुल ठीक है, मुंह पे कुछ है और वो पीठ पीछे कुछ है। कुछ है। मिकाल को खाने में क्या पसंद है? डिपेंड करता है कौन सा वक्त हो, कभी कभार मिकाल सुबह उठता है 6 बजे और कहता है मैंने मुर्ग चने खाने है जाके। अच्छा, कहाँ से खाते हैं? फिर सोचते हैं बड़ी जगह है, सब पता है मुझे, लाहौर में तो गोगा चना हो गया इधर मॉडल टाउन में, या फिर कौन सी है बीडन नहीं, लक्ष्मी चौक के पास, लक्ष्मी चौक के पास जाते हैं ये नहीं क्या? हाँ हाँ, सुबह सुबह लस्सी के साथ, अच्छा नान वगैरह के साथ, फिर निहारी हो गई, मोहम्मदी वारिस जो भी, हलवा पूरी हो गई। अच्छा। मुझे देसी भी बहुत पसंद है, मुझे वेस्टर्न कुजीन भी बहुत पसंद है। खुद कुछ बनाना आता है? मैं थोड़ा बहुत बना लेता हूँ, बहुत बेसिक्स। अच्छा, मसलन लाइक आई लाइक कुकिंग फॉर माय किड्स, यू नो, बच्चों के लिए मैं पास्ताज और इस तरह की चीजें, सिंपल चीजें वो बना लेता हूँ। ब्रेकफास्ट में अपना खुद बनाता हूँ, यूजुअली एग्स या टोस्ट के ऊपर कोई पीनट बटर या कोई ऐसी चीज। बिल्कुल ठीक है। बट मैं ज्यादा फसी नहीं हूँ और कभी कभार मैं पिकी हो जाता हूँ कि ये हेल्दी हो जाता हूँ कि नहीं, जरा वेट पुट ऑन कर लिया है,
और बाय द वे ये मैं एक टिप सबको जरूर बता सकता हूँ कि वेट जो है वो सिर्फ और सिर्फ खाने से रिलेटेड है, दैट इज इट।